नमस्कार, आपके अपने YouTube चैनल कहानियों की नई दुनिया में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज के एपिसोड में हम लोग बात करेंगे भारत रत्न की। तो चलिए बातें आगे बढ़ाते हैं। भारत रत्न देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, जो किसी क्षेत्र में असाधारण और सर्वोच्च सेवा को मान्यता देने के लिए दिया जाता है। यह सम्मान राजनीति, कला, साहित्य, विज्ञान के क्षेत्र और उद्योगपति, लेखक, समाज सेवी को दिया जाता है। भारत रत्न देने की शुरुआत 2 जनवरी 1954 को तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने की थी। सबसे पहला सम्मान स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन और वैज्ञानिक डॉक्टर चंद्रशेखर वेंकटरमन को 1954 में दिया गया। तब से कई लोगों को अपने अपने क्षेत्रों में उत्कृष्ट योगदान के लिए यह सम्मान दिया गया है। 1954 में यह सम्मान केवल जीवित रहते दिया जाता था, लेकिन 1955 में मरणोपरांत भी भारत रत्न दिए जाने का प्रावधान जोड़ा गया। भारत रत्न प्राप्त करने वालों की आधिकारिक घोषणा भारत के राजपत्र में अधिसूचना जारी कर की जाती है। यह सम्मान हर साल 26 जनवरी को दिया जाता है। भारत रत्न सम्मान के लिए चुने जाने की प्रक्रिया पद्म पुरस्कारों से अलग होती है। इसमें भारत के प्रधानमंत्री भारत रत्न के लिए किसी व्यक्ति के नाम की सिफारिश राष्ट्रपति को करते हैं। भारत रत्न के लिए किसी औपचारिक सिफारिश की जरूरत नहीं होती। कोई भी व्यक्ति जाति, पेशा, पद या लिंग के आधार पर अंतर किए बिना इस पुरस्कार के लिए योग्य माना जा सकता है। एक साल में सिर्फ 3 भारत रत्न ही दिए जाते हैं। साथ ही यह भी जरूरी नहीं कि हर साल भारत रत्न सम्मान दिया ही जाए। अब तक कुल 48 लोगों को भारत रत्न सम्मान दिया गया है। आखिरी बार यह सम्मान साल 2019 में दिया गया था, जबकि 2024 में जननायक कर्पूरी ठाकुर और भाजपा के पूर्व अध्यक्ष लाल कृष्ण आडवाणी को भारत रत्न दिए जाने की घोषणा की गई है। भारत रत्न पाने वालों को भारत सरकार की ओर से एक प्रमाण पत्र और एक मेडल दिया जाता है। इस सम्मान के साथ कोई धनराशि नहीं दी जाती। इसे पाने वालों को सरकारी महकमे सुविधाएं मुहैया कराते हैं। उदाहरण के लिए भारत रत्न पाने वालों को रेलवे की ओर से मुफ्त यात्रा की सुविधा मिलती है। भारत रत्न पाने वालों को अहम सरकारी कार्यक्रमों में शामिल होने के लिए न्योता मिलता है। सरकार वारंट ऑफ प्रेसिडेंस में उन्हें जगह देती है। जिन्हें भारत रत्न मिलता है उन्हें प्रोटोकॉल में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, उप प्रधानमंत्री, राज्यपाल, पूर्व राष्ट्रपति, मुख्य न्यायाधीश, लोकसभा अध्यक्ष, कैबिनेट मंत्री, मुख्यमंत्री, इस सम्मान को अपने नाम से पहले या बाद में जोड़ा नहीं जा सकता। हालांकि इसे पाने वाले अपने बायोडेटा, लेटर हेड या विजिटिंग कार्ड जैसी जगहों पर लिख सकते हैं, राष्ट्रपति द्वारा भारत रत्न से सम्मानित या भारत रत्न प्राप्तकर्ता। बात करते हैं ये मेडल दिखता कैसा है। तो मेडल में तांबे के बने पीपल के पत्ते पर प्लैटिनम का चमकता सूर्य बना हुआ है। पत्ते का किनारा भी प्लैटिनम का होता है। इसके नीचे चांदी से हिंदी में भारत रत्न लिखा होता है। इसके पीछे की तरफ अशोक स्तंभ के नीचे हिंदी में सत्यमेव जयते लिखा होता है। भारत रत्न से जुड़ी कुछ अहम बातों पर चर्चा करते हैं। भारत रत्न जीवन काल या मरणोपरांत दोनों तरह से दिया जाता है। 2013 में पहली बार खेल के क्षेत्र में सर्वोच्च योगदान या प्रदर्शन करने के लिए भी भारत रत्न देने का निर्णय लिया गया। इसके बाद 2014 में क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर को इस सम्मान से नवाजा गया। यह पुरस्कार गैर भारतीयों को भी दिया जा सकता है। मदर टेरेसा को 1980 में भारत रत्न दिया गया था।
स्वतंत्रता सेनानी खान अब्दुल गफ्फार खान और दक्षिण अफ्रीका के पूर्व राष्ट्रपति नेल्सन मंडेला भी इस सम्मान से नवाजे जा चुके हैं। किसी एक साल में अधिकतम 3 भारत रत्न दिए जा सकते हैं। इस सम्मान में केवल प्रमाण पत्र और तमगा मिलता है, कोई धनराशि नहीं मिलती है। भारत रत्न पुरस्कार को 2 बार निलंबित किया जा चुका है, इसके बाद पुरस्कार फिर से शुरू किए गए थे। तो ये थी भारत रत्न के ऊपर आज चर्चा, और अगले एपिसोड में अब हम बारी बारी से उन सभी भारत रत्न प्राप्त किए हुए शख्सियत पर हम चर्चा करेंगे और उन पर बात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।